पिछली कड़ी में हमने आपको बताया कि कैसे सीधी सादी सुधा ने अपने माँ बाप से ज्यादा एक बिना परखे मनीष पर भरोसा कर लिया और वो एक अजीब से भंवर में फंस गई। सुधा की शादी हुई थी मनीष से, लेकिन एक दूसरा ही आदमी उसके पति होने का दावा कर रहा था। अगर हम खबरों पर नजर डालें, तो ऐसे कई मामले सामने नजर आते हैं जहां किसी लड़की को शादी के नाम पर बहला फुसला कर बेच दिया गया। ऐसे हालात में फंसी लड़की या तो हालात से समझौता कर लेती है या फिर जान दे देती है। आइए देखें सुधा कौन सा रास्ता चुनती है। ये प्रमोद है, मेरा बेटा और तेरा पति। नहीं, आप लोगों को गलत फहमी हो रही। मैं मनीष को फोन करती हूँ। कौन मनीष? भूल जा मनीष मनीष को। ये प्रमोद है और सारी जिंदगी तुझे इसी के साथ बितानी है, समझी? हाँ, छोड़िए मुझे। अरे मैं हाथ कैसे छोड़ दूँ? मुझे ना पोता चाहिए, समझी? पोता ये ले। कोई मनीष नहीं, मैं हूँ तुम्हारा पति। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ए, चुप। सुधा फंस गई थी। शकुंतला और उसका बेटा उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। उसे कमरे में बंद रखा, भूखा और प्यासा। मान जा, खुश रहेगी, अब तू भाग नहीं सकती। प्रमोद उसके साथ वेश्याना हरकतें कर रहा था। इतना जुल्म सहकर तो किसी की भी हिम्मत टूट जाएगी, और वही हो रहा था सुधा के साथ। वो धीरे धीरे हिम्मत और उम्मीद खोती जा रही थी। क्यों शोर कर रही है? छोरी कित गई? कहां गई? मुझे क्या पता कहां गई? फिर जाके देखना। फिर कहीं नहीं मिली, पूरा घर में ढूंढ लिया। अरे तू वहां जाके देखना फिर। हाँ ठीक है। फोन करना है। उधर देख, उधर से मैं देखूंगा। ये किसका नंबर है? हेलो पापा। रॉन्ग नंबर। फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रहे? तुम्हारी लाडली बेटी का। क्या? सुधा का? अरे अरे तो बात कीजिए ना। कोई बात नहीं करेगा उससे। कहाँ चली गई? छोड़ूंगा इसको, तुम बचकर जाओगे कहाँ?
आपको बात नहीं करना तो मत कीजिए, मैं उठाती हूँ फोन। खबरदार, मर चुकी है वो हमारे लिए। देखिए जी, बेटी है हमारी, माँ हूँ उसकी मैं, मैं तो बात करूंगी। हाथ उठाओ पापा, मत उठाओ। कट गया, तेरी यही सजा है। मैं दोबारा डायल कर लूं इसी नंबर को। अच्छा ठीक है, ठीक। हेलो। हाँ हेलो मम्मी। हाँ सुना। मम्मी पापा को फोन दे दो प्लीज मम्मी। अरे तू तू इतना घबराई हुई क्यों है, क्या हुआ तुझे? मैं मुसीबत में हूँ माँ। मुसीबत में? मुसीबत? प्लीज तुम जल्दी से पापा को फोन दो। देखिए जी सुधा बहुत मुसीबत में, आपसे बात करना चाहती है। हेलो पापा। हाँ सुधा बेटा बोल। आप सही थे पापा, मैं गलत थी, मुझे बचा लीजिए पापा। हाँ बेटा हाँ, लेकिन ये बता तू है कहाँ इस वक्त? वो हेलो सुधा। चल। अरे क्या बात है भाई? कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं इसकी, पागल है। चल। पागल है? मैं पागल नहीं हूँ। कट गया, रो रही थी, कह रही थी पापा मुझे बचा लो। अरे कट गया तो दोबारा डायल कीजिए ना। हाँ फोन दे। हेलो। देखिए अभी एक लड़की ने यहाँ से फोन किया था। हाँ एक लड़की तो फोन कर रही थी लेकिन वो चली गई। आप उसे बुला दीजिए प्लीज। देखिए वो आसपास तो दिखाई नहीं दे रही है, शायद चली गई। अच्छा ये बताइए कि ये नंबर कहाँ का है? ये झुलना हरियाणा का नंबर है। झुलना? और देखिए ये पीसीओ नंबर है, यहाँ इनकमिंग फोन अलाउ नहीं है, दोबारा फोन मत कीजिएगा। हमारी बेटी झुलना हरियाणा कैसे पहुँच गई? हरियाणा जी मुझे लगता है वो हमारी बेटी कोई बड़ी मुसीबत में, कुछ कर लीजिए, उसे ढूंढ के लाए। मैं करता हूँ। शांत। छोड़ दो मुझे, मेरी बात सुनो। चल। छोड़ो मुझे। इसके हाथ पैर बांध। अरे दो चार बंदी रहेगी ना, दो चार दिन तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसके। बांध इसके हाथ पैर। अम्मा इस छोरी ने दिमाग खराब कर दिया, मेरे बस की ना है। एक बार तो भाग चुकी है, अब पता नहीं क्या क्या रंग दिखाएगी। और हमें सुधा कहाँ है? और कहाँ जागी? अंदर है। सुधा 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 मनी कहाँ चले गए थे तुम? सुधा कहाँ चले गए थे तुम? सुधा मैं किसी काम से बाहर गया था और ये लोग ने ऐसा करा। मुझे माफ कर दो सुधा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम रो नहीं, मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सब ठीक कर दूंगा, बिल्कुल सब ठीक कर दूंगा। ये लोग मेरे सौतेले माँ और भाई हैं, तुम फिक्र मत करो, अब हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तुम बस अपना सामान पैक करो, मैं तब तक इन लोगों से निपट के आता हूँ। सॉरी सुधा। जी साहब बोलिए। क्या नाम है तेरा? जी मेरा नाम मोतीलाल है। इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं साहब मैं नहीं जानता। ठीक से देख, कहीं तो देखा होगा। नहीं साहब मैं नहीं देखा। मोतीलाल जी कुछ दिन पहले मैंने आपके यहाँ कॉल किया था, ये मेरी बेटी है, बहुत परेशान थी, इसने आपके यहाँ से कॉल किया था मुझे।
हाँ हाँ याद आया याद है, पर ये लड़की तो पागल है और ये पास वाली गली में रहती है। पागल? इंस्पेक्टर साहब मेरे बेटे पागल नहीं है, पागल नहीं है, वो देखे ना। उसका घर दिखाएगा? जी सर, चलिए आइए मेरे साथ। चलो। ये देखिए यही घर है। ठीक है चलिए चलो। इंस्पेक्टर साहब आपने इस लड़की को देखा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम नहीं जानते कौन है लड़की। यस सर। क्या हुआ सर, ये कहाँ जा रहा है सर? हुआ क्या? हमने कुछ नहीं किया सर। अभी सब पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब हम माँ बेटे के सिवा यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ। सर अंदर से ये लड़की कपड़े मिले हैं। ये कपड़े तो मेरे सुधा के, इसका मतलब मेरे सुधा यही थे। बता लड़की कहाँ गई? कहाँ लड़की? मैं बताता हूँ सर, सच बताता हूँ सर, हमारे यहाँ शादी के लिए छोरी नहीं मिलती, इसलिए हमने मनीष नाम के एक एजेंट से सुधा को खरीदा था 1,00,000 रुपए में सर। और वो बहुत टेढ़ी थी, हमने मनीष से आधे पैसे लेके उसे वापस भेज दिया। ये क्या हाल किया तुम लोगों ने इस लड़की का? हमने क्या किया है? तूने कहा था ना कि लड़की सेट हो जाएगी, पर ये तो मुझे अपना पति मानने को तैयार ही नहीं है। छोरी ने ले जा, ये रोज रोज का तमाशा नहीं चाहिए। अल्लाह मेरे सारे पैसे ये पकड़, ले जा छोरी ने। चल जा लेके जा रहे हैं, ले जा। सुबह सुबह उसको लेकर कहाँ चला गया हमें नहीं पता सर। चल मनीष को फोन लगा। सर उसका फोन बंद जा रहा है, मुझे यही उम्मीद थी। अवतार जी आप धीरज रखिए, अवतार गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। चल क्या हाल है रस्तोगी भाई? सब ठीक। रस्तोगी भाई सुधा मेरी बीवी। नमस्ते नमस्ते। रस्तोगी भाई मैंने वो आपको बताया था ना कि हम लोग थोड़ा मुसीबत में थे, तो मनीष ने मुझे सब बताया था। आइए अंदर आइए। चलो सुधा डरो नहीं, चलो आओ। देखो ये तुम लोग का ही घर है, जब तक रहना चाहो आराम से यहाँ रह सकते हो। थैंक यू रस्तोगी भाई। सुधा बस तुम ये समझ लो कि रस्तोगी भाई मेरे गॉडफादर हैं और मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। रस्तोगी भाई मैं सुधा को अंदर कमरा दिखा दूँ? हाँ हाँ जाओ। चले सुधा आओ, सुधा आओ ना। एक सेकंड मैं ये रख देता हूँ। सुधा अब कुछ दिनों तक हम लोग यहीं पे रहेंगे और इसे तुम अपना ही घर समझो, और आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, तो तुम एक काम करो, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तब तक रस्तोगी भाई के साथ बैठ कर आता हूँ। ठीक है? ठीक है। थैंक यू रस्तोगी भाई, थैंक यू। क्या बात है, अरे ये अपने लिए? हाँ हाँ चल बैठ। क्या बात है रस्तोगी भाई आज तो। चल चीयर्स। चीयर्स। देख छोरी तो तेरी चौकी है, लेकिन 1,00,000 ज्यादा है, मैं तुझे 50,000 दूंगा। रस्तोगी भाई क्या बात कर रहे हो यार, 50 में आजकल क्या होता है? कुछ भी नहीं। एक काम करते हैं, 75 में डील फाइनल। चल ठीक है ऐसा ही सही। और हाँ छोरी थोड़ी टेढ़ी है। अरे मुझे टेढ़ी चीजें ही ज्यादा पसंद आती है, तू चिंता मत कर मैं सब संभाल लूंगा। कमाल है, फिर तो 75 में डील फाइनल और लड़की आपकी हुई, और लड़की आपकी हुई। डील फाइनल। Cheers.
ऐसी निशानी बता बेटा जिससे हम तेरे पास आ सके। कुछ भी पता नहीं चल रहा। मुझे मुझे दीजिए फोन। हेलो सर, यहाँ से आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा सर। अपने घर के आसपास कोई दुकान देखी हो? हाँ सर, हाँ, जब हम रास्ते में आ रहे थे घर के पास ये जय भवानी किराना स्टोर है सर। बस मुझे इतना ही पता सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। जय भवानी किराना जनरल स्टोर, तुम्हें इस किसी को मालूम है? जी जनाब, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो सुधा, हम तुम्हारे आस पास ही है, बस पहुँच जाए। किससे बात कर रही है तू? हाँ, किससे बात कर रही है? मुझे फोन दो मनीष। फोन छोड़, तू ये बता किससे बात कर रही है? तुम इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे, मुझे पता नहीं था तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ गई है मनीष, छोड़ो मुझे। अच्छा वो अगर तुझे सच्चाई पता चली गई, क्योंकि आज नहीं तो कल तो पता लगनी थी ना, है ना? चल। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे रस्तोगी भाई, इसको सारी सच्चाई पता लग गई है, और जो करना है जल्दी करो, टाइम नहीं अपने पास। अरे कहाँ जा रही है, यहाँ बैठ। ठीक है तू बाहर चल, बाहर चल, मैं देखता हूँ। देखो मेरे पास मत आना, मैं बोल रही हूँ मेरे पास मत आना, देखो मेरे पास मत आना, मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा। अरे पकड़ इसे, पकड़। अरे भाग के कहाँ जाएंगे? अरे क्या हो गया? अरे नाटक कर रही है, ले चल इसे कमरे में। आप टेंशन मत लो, चल। अरे मनीष मुझे छोड़ो, मनीष ऐसे कैसे छोड़ो तुझे? हाँ 75,000 लिए तेरे, ऐसे थोड़ी जाने दो। यार पकड़ इसे, पकड़ो, आज नाटक हो गया, ले चलो इसे। छोड़, चल अंदर। तुझे कैसे छोड़ दूँ, तू तो लॉटरी की टिकट है मेरी। हाँ अरे कुछ कर, इस छोरी का बहुत नाटक हो गया। अरे ये ले। पुलिस आ गई है, तूने कहा मुझे पुलिस के चक्कर फंसा दिया। देख तू छोकरी को लेकर निकल यहाँ से, जा जल्दी। अरे अरे पकड़ इसे, पकड़। अरे का छोड़ो, बचाओ मुझे। अरे ले चलो इसे, बहुत मजा दिया इसने, ले चलो इसे। आवाज तो यहीं से आ रही थी। सर सर सर, मैंने पास के घर से जोर जोर की आवाज सुनी है, चलिए आइए जल्दी, चलो जल्दी। अब तो मेरे पापा भी आ गए, अब देखना तेरा क्या हाल होता। अरे तेरे बाप को तो मिलेगी, तेरे बाप को तो तेरी लाश मिलेगी। पापा चुप चुप कर, मार दूंगा तेरे को, चिल्लाओ मत, समझ नहीं आ रहा। रस्तोगी चुन्नी रस्सी लेकर आ, आज मैं इसके हाथ पैर बांध देता हूं, जल्दी लेकर आ। अभी लाता हूं, चुप कर बता रहा, चिल्ला मत। क्या कर रहा है, मर जाएगी छोरी। अबे मरती है तो मर जाने दे, अगर ये बच गए तो हम फंस जाएंगे। चुप कर।
मत बता रहा हूँ, तेरे को काट दूंगा। लगता है पुलिस आ गई। अरे चल भाग भाग यहाँ से। तो नहीं थे को भाग ले, पकड़ो उसे। सुधा 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 अरे शादी तो आत्माओं का रिश्ता है, लेकिन उस रिश्ते में अगर किसी को जोर जबरदस्ती बांधा जाए तो वो शादी है ही नहीं। सुधा के साथ जो हुआ वो दरअसल हमारे समाज के कुछ हिस्सों का सच है। हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई है, नतीजन वहां के लड़कों को शादियों के लिए लड़कियां मिल ही नहीं रही, तो वहां शादी के लिए लड़कियों की खरीद फरोख्त करवाई जाती है या बंदूक की नोक पर फेरे करवाए जाते हैं, और ये तरीका ना सामाजिक तौर पर जायज है ना कानूनन। समझने की बात है कि ऐसे हालात पैदा ही क्यों हुए, क्योंकि लड़कियों को बोझ समझकर उन्हें गर्भ में मारा जा रहा है। आपने तो तीन तीन लड़कियों का गर्भपात करके सीना ठोक के कह दिया हमारे घर में लड़का पैदा हुआ है, लेकिन ये बात भूल गए कि उस लड़के की शादी के लिए आप लड़की कहां से लाएंगे। सोचिए इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते मैं कविता चौधरी फिर हाजिर होंगी अपनी डायरी की एक नई कहानी के साथ जो हमारी जिंदगी से जुड़ी होगी। मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।